हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार पता है, आने के बाद मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे किस बात से मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। ती हूँ इस बात से कि मैं क्या खाऊँ। मेरा एक मन कर रहा है कि मैं कुछ बहुत अच्छा खाऊँ, पर रूप से पी लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग पीपल। सो जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम जा रहे हैं मार्केट। हाँ, कुछ एक्चुअली यार थोड़े से एसेंशियल्स लेने थे, उन्हें भी लेने जा रहे थे। बस मैं अभी भी सो के उठूँ यार, हमेशा के जैसे। वो मेरा 5 मिनट्स पावर नैप है ना, वो मैंने लिया है, क्योंकि 1 घंटे या 1.5 घंटे का था। उसके बाद फाइनली डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट। नाउ आई एम लिविंग टू अ मार्केट, going to a market. As I told you already, we are leaving to the market for some good stuff, actually some essential. So now I'm confused to take my pants, what to wear. ये एक national confusion है actually, कि क्या पहना जाए। मतलब कपड़े नहीं होते जब हम पहनने जाते हैं, और जब नहीं पहनने जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े होते हैं। फाइनली आई एम बैक। अभी भी बस हम आए, आके हमने चेंज किया, थोड़े फ्रेशन अप हुए हैं। उसके बाद हम लाए हैं बहुत ही टेस्टी वाले गोलगप्पे। पर नहीं, एक्चुअली मैंने ना थोड़ा प्रण लिया है फ्रॉम लास्ट मंडे। लास्ट मंडे ने तो अभी जो इस वाली वीक का जो मंडे निकल गया है, उससे मैंने प्रण लिया कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगा। उल्टी सीधा पता है कल क्या हुआ। कल एक्चुअली आए थे टकाटक, अभी भी शायद एक पैकेट खत्म हो गया। भाई साहब, घर में रह के खत्म कर लिया किसी ने। हाँ, तो आया था, तो फिर मैंने वो नहीं खाए थे। पर उसके ऑल्टरनेट देखो, हमने क्या किया था। कल रात को लौकी बनी थी, तो मुझे तो लौकी पसंद है, पसंद दीदी को भी है। पर फिर हमने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज टाइप, एकदम डीप फ्राई करके, जो आलू में थे उसमें इतनी तीखी वाली मिर्च डाली, नमक डाला और खटाई डाली। हमने बाजार के नहीं खाए, पर हमने घर के खाए थे। हमने नहीं मतलब मैंने, इनने तो बाजार के भी खाए थे और घर के भी खाए थे। बहुत चालू है, अब बहुत दूर खड़ी है और फिर वहाँ हंस रही है झाँक झाँक के। तो गोलगप्पे आए, जिसमें से कि मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय ले लिया है मैं नहीं खाऊंगी। और हाँ, अभी 2 दिन पहले आइसक्रीम भी आई थी सैंडविच वाली, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है, मैंने वो भी नहीं खाई थी। अब इसने खाएगी और मैं। हाँ, और पता है ऐसी है, ठीक है, और मैं और बना लूंगी, मैं तो खाऊंगी। क्यों, आपने कहा था मैं अभी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो चलिए मेरी वीडियो बन जाएगी तो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। पर वैसे उम्मीद है कि ऐसी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने एकदम आई एम वेरी पक्का मन मैंने कर लिया है। तो चलिए चलते हैं, बाहर से आए हैं, चल के कुछ पानी वानी पीते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं अपना दृढ़ निश्चय के साथ। और देखो क्या क्या आया है। वैसे दीदी, ये आएगा इन सब चीज़ों में कि नहीं? ये ऑली ने मंगाया था। वैसे ये आएगा इन सब चीज़ों में कि नहीं? ये मैंने मंगाया था। ओके, अभी बताओ ये सब, जैसे गोल की भी तीखी सी होती है। हाँ। तो ये नहीं, मैंने कहा बाजार का पैकेट वाला नहीं खाऊंगी। हाँ, ये तो कभी कभी, ये तो जैसे कभी कभी है, जैसे पास्ता वगैरह भी, पास्ता भी हम खाते चीले ही खाते। हाँ हाँ, तो ये तो कभी कभी खाते, जैसे पराठों के साथ कभी कभी खा लिया। धनिया वाली चटनी नहीं होती तो सही है। हाँ हाँ, ये तो खा सकते हैं, ये उसमें नहीं। मैंने अपनी सारी पैकेट वाली, जैसे कुरकुरे, मैंने नमकीन कुरकुरे वगैरह डेली खाती थी, डेली। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, इसलिए मैं गोलगप्पे भी नहीं खाऊंगी। मैं बहुत फिट होकर दिखाऊंगी। और मंडे को डेट थी, डेट नहीं पता भैया, 14, एक महीने के अंदर, नहीं 2 महीने के अंदर मैं हेड स्टैंड करके दिखाऊंगी। मैंने प्रण लिया है, एक महीना क्या? नहीं, आज मैंने सबसे पहले दिन किया था, तो आज से लेते हैं, आज से मैं 2 महीने के अंदर एकदम प्रॉपर हेड स्टैंड करके दिखाऊंगी। मैंने प्रण लिया है। मैं तो एक ही दिन के अंदर कर सकती हूँ। थैंक यू वाली, एक तो ये जो मुझे इतना मोटिवेशन देती है। बोलिए, पैर ऐसे हवा में होते हैं ऊपर, तुमसे मतलब हेड देखो जमीन पे है ना। थैंक यू, चलो बाय बाय। हाँ देख, अब मैंने कर लिया, अब मैं मेरे पैर ऊपर। थैंक यू वाली। रोज वाटर इज सीरियसली सो रिफ्रेशिंग गाइस। मतलब इसको लगाने के बाद इतना रिफ्रेश से फील होता है। पता है मैं क्या करती हूँ, पता नहीं आप में से कौन ऐसा करता होगा, यानी मतलब मैं तो यूजुअली ऐसा करती हूँ कि रोज वाटर को ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो एकदम ऐसा हो जाता है चिल। वाह, व्हाट अ हेयर कट,
थैंक यू। तो एकदम बहुत एकदम ऐसा हो जाता है, एकदम चिल सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर तो और एकदम ऐसा लगता है कि वाओ मज़ा आ गया। पता है कहीं से भी बाहर से आओ, अपना फेस वॉश करो और फिर रोज़ वाटर लगा लो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बाल ही सेट हो गए आज मेरे, है नहीं इतने बड़े बड़े वो सेट होने में, कितना ड्रामा करते हैं। आजकल ज़्यादा शाइन नहीं करते, शाइन करेंगी भी और दिखेंगी भी नहीं कुछ इस तरीके से। कोई क्लिनिक प्लस पता नहीं किसका ऐड है, मैं भूल रही हूँ वो। हाँ तो चलिए ये वाला ब्लॉग इसी के साथ हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलेगा कल फिर सिंह वाले ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए चैनल पर नए हो, क्या हो गया मेरे बालों को भाई साहब, नाराज है क्या ये भी भाई, इनके अलग नखरे चलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर दीजिए, और वीडियो अगर एंड तक देख लिया तो उसको लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट करने का अगर आप मन करे तो प्लीज वो भी कर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे कल फिर देखने वाला ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाते रहिए, बिना ज़रूरत की बाहर मत जाइए, खुश रहिए, ब्लॉग देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा एक चीज़ और, एक चलिए एक ऐसा कोई वर्ड बताइए मेरे ब्लॉग में हो या कुछ ऐसा हो जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। समटाइम्स आई फील कि पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं पता, मतलब सोच रही थी याद आ जाए पर नहीं आ पाया। सब्सक्राइब किया क्या? अगर आप में से जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसको ऐसे बोलना है, जब ऐसे बोलो सब्सक्राइब किया क्या तो आपको कहना है हम्बे, ठीक है। मेरी अम्मा इस वर्ड को यूज़ करती थी हम्बे, जैसे हाँ की जगह वैसे बोलती थी हम्बे, उनसे बोलती अम्मा ये खाओगी हम्बे, हम्बे लूडो, हम सॉरी शुरू से अम्मा लूडो खेलोगी हम्बे। तो जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट कर दिया है, कमेंट तो हम करेगा ही, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, तो उसको ऐसे कहना है हम्बे, ठीक है। अब जब मैं पूछूंगी तब आप लोग कमेंट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब किया क्या, हम्बे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच, दिन पर दिन आप मेरी यूट्यूब फैमिली को आप सब और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो जो इसमें नया नया बढ़ता जा रहा है, पुराना भी जो है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टाटा।